फ्रेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, फ्रेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ये बताता है, अभी तक हम ये बात करते आ रहे हैं कि हम ऑपरेशन रिसर्च यहाँ यूज कर सकते हैं, वहाँ यूज कर सकते हैं, पर उसके डिफरेंट फ्रेजेस है, डिफरेंट स्टेप्स होता है अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेजेस में जाने से पहले ये बात करते हैं कि वेन ओ आर इज यूजफुल। ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया कि जब कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे हमें डिसीजन निकालना मुश्किल होता है, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हम अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन में हैं, वहाँ पे हम ऑपरेशन रिसर्च के डिफरेंट एक्शंस को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन यू डू नॉट नो हाउ वेल थिंग्स आर गो वर्किंग और थिंकिंग एंड हाउ इट कुड वर्क बेटर, जब हमें ये मालूम नहीं है कि थिंग और कितने अच्छे तरीके से काम कर सकती है, पर अगर हम ये यूज कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च का यूज करेंगे तो हाउ दे विल वर्क इन अ बेटर वे वो निकाल सकते हैं। जहाँ पे रिस्क वाली बात आती है, वो रिस्क को अगर लो करना है, अवॉइड करना है, वरी को अवॉइड करना है, वहाँ पे हम ऑपरेशन रिस्क का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे स्टैक होल्डर ग्रुप, जो शेयर मार्केटिंग वगैरह के केस में भी हम इसके यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजिंग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है, बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट आउटपुट निकालना है, हम वहाँ पे हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज कर सकते हैं। सिमुलेशन ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है, सिमुलेशन जो हमें अलाउ करता है, सिमुलेशन अलाउ यू टू ट्राई आउट ए डिफरेंट अप्रोच बाई सिमुलेटिंग इवेंट न्यूमरस टाइम्स एंड आंसर दिस व्हाट इट। जब हम सिमुलेशन का अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारे दिमाग में कहीं कोई प्रोडक्ट या किसी चीज को लेके व्हाट की क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पे अगर हम सिमुलेशन के डिफरेंट ऑपरेशन रिसर्च के डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर अप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बेस्ट आएगा। क्यूइंग थ्योरी एक वो है जहाँ पे क्यू लगी हुई है और रियल टाइम क्यू सिचुएशन चल रहा है, और वहाँ पे हमें कब कैसे किस कैलकुलेशन को यूज़ करके एक बेस्ट मैथमेटिकल रिजल्ट बिहेवियर को शो करते हुए हमारा रिजल्ट निकालना है, उसके लिए हम ऑपरेशन रिसर्च का अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे फॉरकास्टिंग निकालनी है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेटा माइनिंग के केस में यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम मैथोलॉजी के केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हम सिंपल मल्टी क्राइटेरिया मेथड, कुछ मल्टी इनपुट दे रहे हैं जो हमारे बाउंडेशन से बाहर है, तो भी हम वहाँ पे ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। फ्रेजेस मतलब डिफरेंट स्टेप्स। जब हम कोई प्रॉब्लम, जैसा मैंने बताया, जहाँ पे डिसीजन लेना है, एज ए डिसीजन मेकिंग टूल, ऑपरेशन रिसर्च को हम डिसीजन मेकिंग टूल्स के लिए, एज ए डिसीजन मेकिंग टूल्स भी अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट। ऑपरेशन रिसर्च को हम साइंस और आर्ट दोनों बोलते हैं, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जहां पे चाहें ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इट इज अ साइंस बाय वर्च्यू ऑफ एन मैथमेटिकल टेक्निक, इट्स एम्बॉडीड एंड इट इज एन आर्ट बिकॉज द सक्सेस ऑफ द फ्रेज डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्रिएटिविटी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च टीम। हम साइंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे साइंस के थ्रू, वर्चू के थ्रू इसको, इसके मैथमेटिकल टेक्निक को अप्लाई करके एक रिजल्ट तक पहुँच रहे हैं। आर्ट एक तरीका है फॉर सक्सेस फाइंडिंग फ्रॉम दैट बाय अप्लाइंग दैट डिफरेंट फ्रेजेस। ये बोला गया है विल विल
विलमैन ने बोला है ये 1994 में कि इसको हम आर्ट और साइंस दोनों बोल सकते हैं। अफेक्टिव ओआर प्रैक्टिस या अफेक्टिव डिसीजन लाने के लिए जो टीम आपने लगाई है ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक को अप्लाई करने वाली, वो परफेक्ट होना चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर अमंग देयर एट्रीब्यूट्स टेक्निकल जजमेंट, वेन हाउ वाली चीज आती है, जो भी वेन हाउ वाले स्किल्स अपन ने पढ़े, वो सारे स्किल्स टेक्निकल जजमेंट एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए एक टीम प्रॉपर वे में वर्क कर सके, तो इसके डिफरेंट फ्रेजेस जो हैं वो प्रॉपर जजमेंट देते हैं। हम नंबर ऑफ एक्शंस या डिकोड्स, उसके स्टेप्स कितने लगेंगे, ये हम स्टार्टिंग में एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर नहीं बोल सकते, पर डिफरेंट फ्रेजेस हैं। पहला है, इसका जो फ्रेज की बात करें, पहला जो स्टेप है मेन वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो भी है, अगर कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम जो भी है उसको पहले डिफाइन कर लीजिए। सेकेंड है स्टेप कंस्ट्रक्ट ऑफ द मॉडल, मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल, वैलिडेशन ऑफ द मॉडल, ऑफ द मॉडल, ऑफ द सॉल्यूशन, एंड फिफ्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन। सपोज एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम है, बच्चों की जैसे प्रॉब्लम होती है, बस को कैच करना, कॉलेज बस को कैच करना इन ए टाइम। हम अगर ये प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें उसका डिफाइन, उसको और उसको खोदना पड़ेगा और उसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करेंगे? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बच्चा टाइम से उठता नहीं है, बस वाला जल्दी बस ले जाता है, पर अगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बस वाला सिर्फ आपके स्टॉप से जल्दी ले जाता है, हर स्टॉप में जल्दी जाता होगा, ऐसा भी नहीं है, तो सबकी बस छूटनी चाहिए अगर जल्दी जाएगा तो फिर गलती कहाँ आई? गलती यहाँ आई कि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो टाइमली वेकअप नहीं होता है, उठता नहीं है, टाइमली नहीं उठ रहा है, तो उसको टाइमली उठने की आदत डालनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन हो गई। कंस्ट्रक्ट द मॉडल, उसने बोला बच्चे ने कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और 8 बजे बस कैच करना है, पॉसिबल नहीं है, या 7:30 पे उठता हूँ, पॉसिबल नहीं है, तो वो 7 बजे उठे। कंस्ट्रक्टिव मॉडल, 7 बजे उठेगा, ब्रश करेगा, फ्रेशन अप होगा, नहाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी उसका काम है, खाना बनाएगा और 8 बजे तक वो बस कैच कर पाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव मॉडल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसने कर दिया। सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल, सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल हमने जो कंस्ट्रक्ट किया उसी बेस पे निकला कि ये मॉडल का सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि वो 7 बजे सोकर उठे। वैलिडेशन ऑफ द मॉडल, उसकी वैलिडिटी चेक करना, वैलिडिटी मतलब कि क्या वाकई में बच्चा ऐसा कर पाएगा, तो बच्चा ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये उसका वैलिडेशन है। उसका वैलिडेशन चेक करने के लिए हम ये बोलेंगे कि क्या 7:30 बजे जब बच्चा उठता है वो डायरेक्ट 7 बजे उठ सकता है? पॉसिबल नहीं है, वो पहले उठेगा कितने बजे? 7:15 पे उठ के देखेगा, या 7:10 से 7:15 तक उठ के देखा। इसके बाद वो कोशिश करेगा कि मेरा वो सारे काम, खाना बनाना, फ्रेशन अप, बस कैच प्रॉपर हो रही है क्या? अगर हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी बस मिस हो रही है तो वो 7 AM में मूव ऑन करेगा।
दिस इज अ वैलिडेशन चेकिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन. जब एक बार ये फाइनल उसने वैलिडेट कर लिया अपने पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को, वैलिडेट एक एक मिनट पे, एक एक पांच पांच मिनट को लेके वैलिडेट कर लिया, पूरा निकाल लिया आउटपुट, उसके बाद वो उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि मुझे 7 बजे ही उठना है. इम्प्लीमेंट उसको अप्लाई करने लगा, यूज करने लगा, इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया. दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये जो थर्ड फ्रेज है, सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल, ये सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल, डीलिंग विद द मॉडल सॉल्यूशन इज द बेस्ट डिफाइन एंड जनरली द इजिएस्ट टू इम्प्लीमेंट ऑन ओआर स्टडी. ये जो है ये ओआर स्टडी के लिए आपका इजिएस्ट, हम यहाँ पे मॉडल अप्लाई कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके बेस पे आपकी जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं ये काम करता है. जो डेफिनेशन ऑफ द मॉडल भी बहुत प्राइमरी है कि आपने अगर प्रॉब्लम को प्रॉपर डिफाइन नहीं करा, डिस्क्राइब नहीं करा, उसके सारे अल्टरनेटिव के बारे में नहीं सोचा, तो आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा. मैंने जैसा प्रॉब्लम बोला था कि बस को कैच करना, उसके लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था बस जल्दी निकल जाती है, बच्चा देर से उठता है, बस जल्दी निकल जाती, बच्चा देर से उठता है, उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकते हैं. तो मोबाइल ऑफ का तो वो ये कि चार्ज करे टाइम से, बस जल्दी निकल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक स्टॉप से जल्दी निकल जाएगी और बाकी स्टॉप से वो टाइमली पहुंच रही है, तभी तो बाकी बच्चे पहुंच रहे हैं टाइम से कॉलेज. तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि बच्चा लेट था, इसलिए इस चीज को लेके मैंने एक्सप्लेन करा. ये 5 स्टेप्स को ये बोला जाता है कि कोई भी अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो इस 5 स्टेप को यूज करते हुए हम कर सकते हैं. ये 5 स्टेप्स को यूज करते हुए हम कोई भी हमारी साइंस, आर्ट या रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. जो फ्रेज थर्ड है, इस फ्रेज थर्ड का यूज ये है कि इस फ्रेज थर्ड पे हमें प्रॉपर मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, क्योंकि इस फ्रेज थर्ड के बेस पे आपके ये जो दो वैलिडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टोटली इस फ्रेज थर्ड पे डिपेंड करता है. अगर आप यहाँ पे प्रॉपर मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन या बेस्ट रिजल्ट निकलना मुश्किल है. दूसरी अगर हम बात करें तो हमारा पूरा प्रॉब्लम डिफाइन अगर हमने प्रॉपर नहीं करा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. डिफाइन करना मतलब प्रॉब्लम को प्रॉपर एक्सप्लेन करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना. जब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि एक बस से की बस क्यों छूट रही है, उसके लिए मोबाइल ऑफ होना, उसका टाइम से ना उठना या बस का जल्दी निकलना, ये स्टेप लिया. मोबाइल अगर ऑफ हो रहा है तो मोबाइल बच्चे को चार्ज कर लेना चाहिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा. बस जल्दी निकल रही है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि उसके स्टॉप से जल्दी निकल रही है और दूसरे स्टॉप में सही टाइम पे पहुंच रही है. मतलब गलती यहाँ पे है बच्चे की कि बच्चा टाइम से नहीं उठ पा रहा है. तो यहाँ पे ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सारे उसके जो अप्रोचेस हैं, जो भी उसका सॉल्यूशन है, उसको हमें इन्वेस्टिगेट और उसको सॉल्व करके प्रॉपर चेक करना चाहिए. नाउ प्रॉब्लम को जो डिफाइन कर रहे हो उसके कुछ, हम जो ओआर की टीम है वो उसके कुछ फंक्शंस, लिमिटेड कुछ जो फंक्शन है या कुछ उसके प्रिंसिपल है उसको दिमाग में रखती है. पहला प्रिंसिपल है प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, पहला प्रिंसिपल है डिस्क्राइब द डिसीजन अल्टरनेटिव्स. पहला है कि इन्वेस्टिगेट करो, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को. जो भी जितने भी अल्टरनेटिव्स के लग रहे हैं
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सारे डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, इन्वेस्टिगेट करो. डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा लास्ट में इस स्टडी को करने पे, वो दिमाग में रखें. डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. ऑब्जेक्टिव उसका क्या होना चाहिए, वो हम एक ओआर टीम अपने दिमाग में रखती है. थर्ड, जो उसकी लिमिटेशंस हैं उसको भी वो अपने दिमाग में स्पेसिफिकली क्लियर रखती हैं कि ये लिमिटेशन है, ये ऑब्जेक्टिव है, मेरा मेन पर्पस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या होगा. ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए ही प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहिए. पहला मैंने बताया कि उसके सारे डिजी ऑल्टरनेटिव जितने भी अप्रोचेस हैं उन सारे अप्रोचेस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा. दूसरा मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन रखना, और तीसरा बताया कि जो लिमिटेशंस है वो भी ध्यान रखना.